Hello guys, and welcome to my channel, The Study Motivation. We are studying our chapter of class 11th chemistry, that is some basic concepts of chemistry. And in this chapter, till now, we have studied about atomic mass and molecular mass, and we have started mole in the previous lecture. And in this lecture, we are going to see some more concepts, some more terms. So let's start. Firstly, let's see what is Avogadro's number value. Guys, ये सब चीज़ें आपको कभी भी वर्किंग में नहीं पूछी जाएगी. सिंपली आपको एक ही चीज़ पता होनी चाहिए इसमें, दैट Avogadro's number, दैट इज Na, जिसे हम डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 6.022 × 10³ होती है. और ये वैल्यू गाइज आगे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको लगानी पड़ेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन में कभी भी नहीं दी होती वैल्यू. सो प्लीज़ डू लर्न दिस वैल्यू. नेक्स्ट, लेट्स सी रिलेशन बिटवीन यू एंड एन ए, दैट मीन्स एटॉमिक मास एंड और मॉलिक्यूलर मास एंड Avogadro's नंबर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. तो वन यू इज इक्वल्स टू 1/NA ग्राम. सो यू एंड एन ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड एज वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ वन यू इज इक्वल्स टू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. इफ यू गाइज हैव नॉट वॉच्ड एनी that lecture, then I'll recommend please to watch that lecture, because I have told many important points and formulas of this chapter. So now gram atom and gram molecule भी हम mole के लिए use करते हैं. Firstly हम gram atomic mass देखेंगे, जिसको हम GAM से denote करते हैं. इसको हम define करते हैं as mass of one mole, और वन मोल को हम 6.022 × 10⁻²³ भी कह देते हैं ग्राम. Avogadro's नंबर और वन मोल की वैल्यू सेम होती है. इसको हम कॉमनली मोलर मास भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है मास ऑफ वन मोल एटम. मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास गाइस इज वन एंड द सेम थिंग. ग्राम एटॉमिक मास, अगर हमें ओ का निकालना है तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, दैट इज 16 ग्राम. और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम डिफाइन करते हैं मास ऑफ वन मोल, और 6.022 × 10⁻²³ इन ग्राम. सो इसको भी हम मोलर मास कहते हैं. ये सब सिर्फ टर्म्स अलग अलग दी हुई होती हैं गाइस, सबका मतलब इक्वेशन वैल्यू सब सेम होती है. सो अगर इसमें हमें H2O का निकालना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की इक्वल होगा जो हुआ 18 ग्राम्स. बस ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो इसमें U की जगह ग्राम लग जाएगा, और अगर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पूछा हो तो उसमें यूनिट U लगेगी ग्राम की जगह. So this is all the difference between these. Now guys, let's see average molecular mass. Average molecular mass के लिए example लेते हैं हम gas और percentage, जितने percent वो present है. So O2 का weight हमें पता है 32, because 2 moles है O के, तो इसलिए 2 × 16, that is 32. Just like that N2 28 ग्राम्स, CO2 44, SO2 64, एंड O2 की प्रेजेंट 16% है, N2 की 24%, CO2 की 50%, एंड SO2 की 10%. अब हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है. तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ that element into percentage in which that is present,
एंड सबका जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका सम डिवाइड बाय 100। इसी तरीके हमने वही फॉर्मूले में पुट कर दिया। सबसे पहले सारे सबका वेट और एबंडेंस परसेंटेज एबंडेंस को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, उसको डिवाइड बाय 100 कर दिया। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर एवरेज एटॉमिक मास। नाउ लेट्स सी फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास को यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक मतलब जिनमें आयन्स प्रेजेंट हो, जैसे प्लस Na प्लस K प्लस इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल NaCl विच इज कॉमन सॉल्ट, KCl। इस केस में जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड का, वो मॉलिक्यूल उसका रिप्रेजेंट नहीं करता, बट उसकी जो रेशियो है डिफरेंट आयंस की वो रिप्रेजेंट करती है, और उसको हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। और फॉर्मूला मास को हम डिफाइन करते हैं उसके लिए। नाउ लेट सी द हाउ टू फाइंड फॉर्मूला मास फॉर NaCl। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि और किसी भी कंपाउंड को अगर पूछा हो एग्जाम में तो कैसे हमें निकालना होता है। फर्स्टली हम Na का मास ऐड करेंगे, उसमें Cl का मास, Cl माइनस का मास ऐड करेंगे इन दोनों का। सो मास ऑफ सोडियम इज 23U एंड मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5U। इन दोनों का सम होगा 58.5U। गाइज ये जो मॉलिक्यूल और मासेज हैं सबकी, ये आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट 30 एटॉमिक नंबर तक तो आप सबको मॉलिक्यूलर मास पता ही होना चाहिए। सो ये कभी 30 तक तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में किसी ने मास नहीं दिया होगा। सो आपको अपने आप पता होना चाहिए। फॉर दैट यू हैव टू लर्न दीज मासेस। नाउ लेट व्हाट इज मोलर मास। मोलर मास होता है मास ऑफ वन मोल पार्टिकल, जिसको हम ग्राम में डिफाइन करते हैं। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास होता है मास ऑफ वन ग्राम इक्विवेलेंट और वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। और अभी हम फर्दर इसका एक और फॉर्मूला भी होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, और इक्विवेलेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट मास ई विच इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, जिसको हम एन एफ से डिनोट करते हैं, मोलर मास को कैपिटल एम से। नाउ लेट सी हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज एन फैक्टर एक नई टर्म है, सो वी डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट। लेट सी एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के लिए सबके लिए अलग अलग एन फैक्टर को कैलकुलेट करने का तरीका होता है। एसिड्स के लिए एन फैक्टर जो है एसिड की बेसिसिटी के इक्वल होता है। बेसिसिटी मीन्स कितने एच प्लस आयन्स वो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड रिलीज कर रहा है, मतलब उसमें कितने एच प्लस आयन्स प्रेजेंट हैं एसिडिक कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल HCl में एक एच प्लस आयन प्रेजेंट हो तो उसका एन फैक्टर वन हो गया। H2SO4 में दो एच प्लस आयन्स प्रेजेंट है तो उसका एन फैक्टर टू हो गया। बेसिस के लिए एन फैक्टर इक्वल होता है टू एसिडिटी ऑफ द बेस। एसिडिटी मतलब कितने OH माइनस आयन्स प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH में वन OH मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट सो इसका एन फैक्टर वन हो गया। CaOH होल ट्वाइस, इसमें दो OH माइनस आयन्स प्रेजेंट है तो इसका एन फैक्टर टू हो गया। इस तरह हम एसिड्स एंड बेसिस में एन फैक्टर को निकालते हैं। सॉल्ट्स में कैसे निकालते हैं। सॉल्ट्स में एन फैक्टर मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज के, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है एन फैक्टर। फॉर एग्जांपल Na प्लस Cl माइनस,
इस कंपाउंड में वन प्लस आयन है और वन ही नेगेटिव आयन है, तो इसका इन्फेक्टर वन हो गया। MgCl2 में दो Cl2 आई एम सॉरी Mg की भी +2 आयन्स होते हैं और Cl के -1 होते हैं, लेकिन Cl के दो कंपाउंड है तो उसके भी -2 हो जाएंगे, तो इसी तरह एन फैक्टर इसका 2 आ जाएगा। इस तरह हम सॉल्ट्स में एन फैक्टर निकालते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एन फैक्टर, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग एन फैक्टर वी विल पुट इट इनटू फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट मास, एंड मोलर मास हमें पता ही होगा क्योंकि कंपाउंड गिवन होगा और हम इजीली इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स सी परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है, का फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू कितने परसेंट वो मास प्रेजेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट है कितने परसेंट मास में, इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इसको हम फॉर एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें H2O का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, तो इसमें मास परसेंटेज कितना है H का वो निकालेंगे हम, जो कि है जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, जितने मोल्स प्रेजेंट है उस कंपाउंड के, तो 2 प्रेजेंट है तो 2 अपॉन में उसका मोलर मास। H2O कंपाउंड का मोलर मास क्या होता है, 18 इंटू 100, तो इसका 0.09% H प्रेजेंट है H2O में, और इसी तरह 88.8% ऑक्सीजन प्रेजेंट है H2O में। तो इस तरह हम मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालते हैं इस फॉर्मूले से। सो गाइस ऑन दिस नोट वी कंक्लूड विद टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स, लिंक फॉर द नोट्स विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।